रिसर्च के दौरान चीनी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, अब खेती के लिए नहीं होगी जमीन की जरूरत और अब हवा के जरिए ही तैयार की जाएगी रोटी। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, ये खबर सुनकर मैं भी चौंक गया कि अब हवा के जरिए ही बनेगी रोटियां यानी खाना। अनबिलीवेबल है ना। आपको पूछा जाए कि आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा खाना। खाना जरूरी है। अब आपको पूछा जाए कि खाना कहाँ से मिलता है, तो आप बोलोगे अनाज से, बराबर ना। और अनाज कहाँ उगता है, खेती में, और खेती कहाँ होती है, जमीन पर। यानी जमीन नहीं तो खेती नहीं, खेती नहीं तो अनाज नहीं, और अनाज नहीं तो खाना नहीं, बराबर ना। लेकिन लेकिन अब एक बड़ी रिसर्च में चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब खेती के लिए जमीन की जरूरत नहीं, अब हवा में ही तैयार होगी रोटी। शॉक्ड हो गए ना। लेकिन दोस्तों आपने ये बिल्कुल सही सुना है। तो क्या है वो पूरा मामला, हवा से कैसे बनाई जाएगी रोटी, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये पूरी जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही IMP है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस भाई का भी नाम जान लो। हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ, वेलकम टू माई चैनल सीड का चैनल। आपको इस चैनल पर इंटरेस्टिंग और बेहतरीन जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, तो चलो कुछ सीखते हैं। दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आने वाले अगले कुछ वर्षों में खेती बिना जमीन के होगी और यही नहीं, वैज्ञानिकों की माने तो रोटी भी हवा के जरिए ही बनेगी। चाइनीज साइंस एकेडमी से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार अब रोटी हवा के जरिए बनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंसानों के लिए जो खेती करने के लिए जमीन की जरूरत होती है वो अब नहीं होगी। थियनचित इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोलॉजी की एक रिसर्च टीम ने दुनिया में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए स्टार्स का संश्लेषण किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके औद्योगिक तरीके से भोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की सबसे अद्भुत ही खोज होगी। अंतर्राष्ट्रीय अकेडमिक जर्नल साइंस में प्रकाशित चीनी वैज्ञानिकों के इस पेपर में बताया गया है कि क्यूबिक मीटर रिएक्टर का सालाना स्टार्क उत्पादन 1 हेक्टेयर मक्के के खेत के बराबर है। अगर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन को साकार किया जा सकता है तो आने वाले समय में मानव जाति को खाने की चिंता की कमी नहीं होगी। चीन का दावा है कि यह उपलब्धि वास्तव में नोबेल पुरस्कार के महत्व को पार कर गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सीजन के अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक प्रमाण पर होती है। चीनी वैज्ञानिक स्टार्च बनाने वाली प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं वो अब हवा से बनाई जा सकेगी। हम सबको पता है कि खेत में मक्के के अंकुरण को बढ़ने में कई महीने लगते हैं, जबकि सिंथेटिक स्टार्च में केवल कुछ ही घंटे लगते हैं। अगर इंसान भोजन उत्पादन के लिए औद्योगिक तरीकों का उपयोग करता है तो मानव के लिए अनाज और चारा आदि की आपूर्ति खूब रहेगी। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा होने लगता है तो लोगों को कृषि जमीन के बड़े हिस्से पर खेती करने की आवश्यकता नहीं होगी, पशुधन को बढ़ाने की लागत भी बहुत कम हो जाएगी और मौजूदा खेतों को सुंदर सुंदर घास के मैदानों और जंगलों में बदला जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस प्रभाव के समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। साथ ही मानव जाति का वातावरण अब की तुलना में सैकड़ों गुना बेहतर हो जाएगा। स्टार्च सिर्फ एक प्रकार का भोजन नहीं बल्कि उच्च आण्विक कार्बोहाइड्रेट भी है। स्टार्च सभी अनाजों में 80% से भी अधिक ज़्यादा कैलोरी प्रदान करता है। औद्योगिक तरीके से स्टार्च बनाने के लिए अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों की लंबी अवधि की खोज है। अभी हम हर साल दसियों अरबों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और परिणामी ग्रीन हाउस गैस सभी देशों के सरकारों के लिए परेशानी का विषय बन गई है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में परिवर्तित किया जा सके तो यह न केवल ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को दूर कर सकेगी बल्कि 10,000 से अधिक वर्षों से चली आ रही कृषि रोपण पद्धति को भी पूरी तरह बदलेगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों की यह सफलता से दुनिया की जैविक विज्ञान को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रक्रिया से चीन और भारत जैसे बड़े देशों को बहुत बड़ा फायदा होने का दावा किया गया है, क्योंकि पारंपरिक खाद्य उत्पादन के लिए न केवल बहुत बड़ी जमीन का उपयोग होता है, बल्कि ताजे जल संसाधनों और कीटनाशकों की बहुत बड़ी मात्रा में खपत होती है। और चीन और भारत जैसे बड़े आबादी वाले देशों के लिए कृषि योग्य भूमि की कमी और खाद्य सुरक्षा हमेशा ही एक चुनौती रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया में अब भी लाखों की तादाद में लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। दुनिया में 10 मिलियन से भी अधिक लोग अभी भी भूख के खतरे का सामना कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा अभी भी भविष्य की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। सिंथेटिक स्टार्च की वैज्ञानिक उपलब्धियों में कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। भविष्य में कारखानों में ही स्टार्च का उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे कम समय में ज्यादा खाद्य उत्पादन करके भुखमरी को कम किया जा सकेगा या भुखमरी को जड़ से मिटा जा सकेगा। दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये दुनिया की बहुत बड़ी खोज होने वाली है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो को भी एक बार जरूर देख लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।